प्रदेश में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। इसके तहत आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने कहा कि इस बार का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह युवाओं पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में आज से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। वहीं यातायात पुलिस उपायुक्त लक्ष्मण दास ने बताया कि प्रवर्तन अभियान, जागरूकता अभियान सहित दुर्घटना डेटा विश्लेषण पर इस वर्ष विशेष जोर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? युवाओं को और युवाओं के माध्यम से हमें सभी को ये प्रेरित करना है कि यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाएं, जिससे कि वो खुद को भी सुरक्षित रख सके और सड़क पे चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सके। माह भर में बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज भी हमने सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने वालों को फ्री हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया, जो एक सांकेतिक था, जिससे ये संदेश दिया जा रहा है कि दोपहिया वाहन को बिना हेलमेट पहने नहीं चलाया जाए। सभी सड़क नियमों का, जो यातायात के नियम बने हुए हैं, उनका पालन करें, जिसमें बड़े बड़े हमारे सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महोदय, सब लोगों ने इसमें अपील की है जनता से। हम अपील ही कर सकते हैं कि आप सड़क नियमों का पालन करें, जिसमें सही ढंग से चलें और सही ढंग से अपने घर सुरक्षित पहुँचें। तो हम पूरे माह इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, ये जागरूक कार्यक्रम होगा जागरूक करने का, लेकिन इसके पश्चात हम अगर कोई भी इस तरह के नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।